जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें, डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको रूबरू कराएंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले पर बैठक, पार्षदों की बैठक हुई शुरू। नव निर्वाचित पार्षदों के साथ कर रहे हैं बैठक, पार्षदों के साथ हो रही है चर्चा। नव निर्वाचित पार्षदों के साथ बैठक शुरू, पार्षदों के साथ चर्चा हो रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर बंगले पर यह बैठक, और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, आप लगातार वहीं पर मौजूद हैं और 6 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी, अब ये बैठक शुरू हुई है, नव निर्वाचित पार्षद भी आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरे बैठक के बारे में नरेश? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस ने जयपुर नगर निगम के चुनाव के बाद में जयपुर हेरिटेज में अपना मेयर बनाने के लिए जो कवायद है वो शुरू कर दी है, और अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर उन कांग्रेस के तमाम विधायकों की बैठक चल रही है, जो अपने पार्षदों को भी यहाँ पे लेके आए हैं। जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ मौजूद है, इसके अलावा पार्षद जिन्होंने चुनाव जीता है वो यहाँ पे मौजूद है और उनकी यहाँ पे बैठक चल रही है। और इससे पहले आपको बताएं एक अहम जानकारी कि इस बैठक से पहले कांग्रेस के नेता जो मंच पर मौजूद है, आप तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, जो मंच पर मौजूद है उन्होंने जो एक आंकड़ा था, जो 4 पार्षद कम पड़ रहे थे बहुमत में, उन चारों का आंकड़ा भी यहाँ पे दिखा दिया है, यानी 4 जो निर्दलीय पार्षद है वो कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। और इन 4 पार्षदों के आने के बाद अब कांग्रेस के पास जो आंकड़ा है वो 52 पार्षदों का हो गया है। बहुमत के लिए 51 पार्षद चाहिए, लेकिन अब 52 पार्षद उनके साथ है, यानी कि हेरिटेज में कांग्रेस का जो बोर्ड बनना है वो अब तय हो गया है। हालांकि सावचेती के तौर पर जो कांग्रेस ने फैसला किया है कि इन तमाम पार्षदों को होटल शकुन में रखा जाएगा, जिन कहें कि राजनीतिक भाषा में अब इनकी बाड़ेबंदी होगी, और जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक इन तमाम पार्षदों को वहीं साथ रहना होगा, वहीं पे रहेंगे। हो सकता है कि जगह फिर एक दो दिन में बदल दी जाए, लेकिन ये तय है कि मेयर का चुनाव होने तक इन तमाम पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखना होगा। और आपको तस्वीरें ये भी दिखा देती हूँ आपको, किस तरह से कांग्रेस के तमाम जो नेता है यहाँ मौजूद है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ मौजूद है, मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, रफीक खान हैं, अमीन कागजी है, प्रशांत शर्मा है, जो पार्षदों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का इंतजार था, क्योंकि ये बैठक देरी से इसलिए शुरू हुई है कि इससे पहले जो कांग्रेस ने जो 4 निर्दलीय पार्षद है उनको अपने साथ लिया है, अपने खेमे में लिया है, ताकि जो एक बहुमत का आंकड़ा है वो सबके सामने दिखाया जा सके, जिसके कारण से अब जो कांग्रेस के जीते जो पार्षद हैं उनको भी अब यह विश्वास हो गया है कि बोर्ड बनना कांग्रेस का तय है। यानी एक बड़ी, एक कह सकते हैं कि बड़ी मानसिक रूप से जीत है वो कांग्रेस ने यहाँ पे दर्ज की है, क्योंकि जो एक आंकड़ा पहले कांग्रेस के पास नहीं था, जो बहुमत का आंकड़ा इनके पास नहीं था, ऐसे में अब निर्दलीय जो पार्षद है वो यहाँ पे आए हैं, और इनमें से 3 पार्षद जो है वो विधायक अमीन कागजी यहाँ पे लेके आए हैं, और उनको जो तमाम जो विधायक है कांग्रेस के उनके साथ उनको मिलाया है, उनके साथ ग्रुप फोटो हुई है, और इन निर्दलीय पार्षदों ने भी विश्वास दिलाया है कि वो कांग्रेस का साथ देंगे। हालांकि देखिए, ये जो पार्षद जीते हैं निर्दलीय जिन्होंने समर्थन दिया है, ये सभी कांग्रेस के बागी थे और एक तरह से उनके घर में वापसी कराई गई है, लेकिन इनका आना इसलिए जरूरी था ताकि कांग्रेस अपना जादुई आंकड़ा दिखा सके। तो अब ये जो बैठक चल रही है इसमें तमाम जो विधायक है वो एक एक करके इनको संबोधित करेंगे, और फिर इन विधायकों को विधायकों के माध्यम से जब संबोधन के बाद में ये जो पार्षद है इनको होटल ले जाया जाएगा। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी।